दोस्तों टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री करेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ तीन वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में। सबसे पहले जानते हैं कि पेमेंट वाउचर में बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन सी एंट्री करना है आपको और किस तरह से करना है। दोस्तों जब भी आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट से किसी को भी पेमेंट किया जाएगा तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। आप कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। अकाउंट में आपका कर्सर होगा और यहां पर आपको हमेशा उस बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है जिससे कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो वो बैंक अकाउंट का लेजर मैंने यहां पर लगा दिया। पर्टिकुलर में हमेशा आपको वो लेजर लगाना है जिसको कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। किसी पार्टी को पेमेंट करने जा रहे हैं पार्टी का लेजर लगा दीजिए, किसी एक्सपेंसेस आदि का पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसका लेजर लगा दीजिए। यहां पर मैंने पार्टी का लेजर लगाया जिसको कि पेमेंट करने जा रहा हूं। अमाउंट के कॉलम में जितना पेमेंट करने जा रहे हैं वो अमाउंट डाल दीजिए और इस तरह से दोस्तों एंटर एंटर प्रेस करते हुए इस रिलेटेड जानकारी यहां पर देते हुए आप इस तरह से पेमेंट वाउचर में एंट्री करिए। F6 प्रेस कर दिया, रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब जानते हैं कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन सी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है और कैसे करनी है। दोस्तों जब भी आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट को पैसा रिसीव होगा, अब यह पैसा किसी से भी रिसीव हो, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अकाउंट में आपका कर्सर होगा और आपको क्या करना है, यहां पर हमेशा उस बैंक अकाउंट का लेजर लगा देना है जिस बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है। तो वो बैंक अकाउंट का लेजर मैंने यहां पर लगा दिया। पर्टिकुलर में आपको हमेशा वो लेजर लगाना है जिससे ये पैसा रिसीव हो रहा है ना। तो यहां पर हमारी एक पार्टी है, डेटस पार्टी, जानकी डेटस, उससे मुझे 80,000 रुपए रिसीव होने जा रहे हैं इस एंट्री से, तो उस तरह से मैं इस एंट्री को कर लूंगा। तो रिसिप्ट वाउचर में आपको इस तरह से बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्री करनी है। अब जानते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है। दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और आप ही की कंपनी के दो बैंक अकाउंट के बीच में जो ट्रांसफर होगा फंड का, उसकी एंट्री करनी है। यहां पर एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है, जो भी एंट्री आप करने जा रहे हैं उस एंट्री में दो लेजर लग रहे हैं, तो जिस लेजर का इस एंट्री के बाद जो आप एंट्री करने जा रहे हैं तो दो लेजर के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें से जिस भी लेजर का बैलेंस इस एंट्री के बाद इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उसका लेजर आप अकाउंट में लगा दीजिए। सबसे पहले कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं, तो यहां पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया और यहां पर कैश का लेजर लगा दिया ना, क्योंकि इस एंट्री के बाद हमारी बैंक अकाउंट जो है उसका बैलेंस बढ़ेगा, तो जिसका बैलेंस बढ़ेगा उसका लेजर अकाउंट में लगा दिया और जिसका बैलेंस घटेगा उसको मैंने पर्टिकुलर में लगा दिया। और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आप यहां पर डाल दीजिए और इस तरह से दोस्तों आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री कर लेनी है। अब कैश विड्रॉल की एंट्री करना है, तो यहां पर अकाउंट में मैंने कैश का लेजर लगा दिया और यहां पर बैंक का लेजर लगा दिया। अब क्या होगा दोस्तों कि कैश विड्रॉल यानी बैंक के अकाउंट से पैसा निकलकर कैश के लेजर में आ रहा है ना, तो क्या होगा कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो जिसका बैलेंस बढ़ेगा उसको आपको अकाउंट में रखना है और जिसका बैलेंस घटेगा उस लेजर को आपको पर्टिकुलर में रखना है। अब यहां पर मैं कैश विड्रॉल करने जा रहा हूं 40,000 रुपए ना, तो 40,000 मैंने अमाउंट डाला, इस तरह से कैश विड्रॉल की एंट्री आपको कर लेनी है। अब जानते हैं दोस्तों फंड ट्रांसफर की एंट्री, तो यहां पर क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से, हमारी कंपनी के दो अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अकाउंट है हमारा उससे पीएनबी बैंक का जो अकाउंट है उसमें हम 1,00,000 रुपए फंड को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो किस में जा रहा है, ये पीएनबी में है ना, तो पीएनबी का बैलेंस बढ़ेगा इससे, तो अकाउंट में मैंने पीएनबी बैंक का जो अकाउंट था वो लगा दिया ना, और यहां पर मैं लगा दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर है ना, और यहां पर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप इस तरह से डाल के और इस तीसरी तरह की जो एंट्री है वो आप करेंगे है ना। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इस तरह से बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।